बिजनौर के चांदपुर में मिशन शक्ति का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने के लिए वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रितु बाला रस्तोगी तथा अध्यक्षता कोपल रस्तोगी ने किया। दरअसल बिजनौर के चांदपुर में वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंजू मित्तल कोतवाल, मनोज कुमार प्रधानाचार्य, सरन प्यारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत आत्मनिर्भर, सशक्त और जागरूक किया। कार्यक्रम में पुलिस द्वारा छात्राओं को महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी है। बहुत ही ऐसे रहे कि हम गुलाम भी रहे, कभी हम किसी के गुलाम, कभी किसी के गुलाम। हमारी बहनों पर अत्याचार हुए, हमारी महिलाओं पर अत्याचार हुए, हमारी बेटियों पर अत्याचार हुए। उनसे बचने के लिए कुछ ब्रिटिश पीरियड में हमारे कुछ नियम भी बने, हमारे अधिनियम भी बने। जैसे एक समस्या थी, इसमें एक एक्ट बना, सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829। हेल्पलाइन है काफ़ी हमारी 1090-181-76 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, माननीय मुख्यमंत्री हमारी हेल्पलाइन है। उसके संबंध में महिला और लड़कियों को जागरूक करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई छेड़छाड़, कोई अपराध नहीं होगा, और यदि कोई इस तरह का अपराध करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मंच पर आसीन कोपल रस्तोगी, मंजू मित्तल, सरन प्यारी, थाना प्रभारी मनोज कुमार, रविंद्र शर्मा, सतेंद्र सिंह, अमित कुमार उर्फ सोनू अग्रवाल ने मिशन शक्ति के विषय में छात्राओं को संबोधित कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व भ्रूण हत्या विषय पर जानकारी दी। वैदिक कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बहुत सुंदर ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वाहवाही ली। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य कोपल रस्तोगी ने तथा संचालन रितु बाला रस्तोगी ने किया। बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद इमरान अंसारी की रिपोर्ट।